बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओकाड़ा कैंपस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट टू का लेक्चर टू डिस्कस करने जा रहे हैं। गुज़श्ता लेक्चर में डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोसेसिंग ये हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए, जिसमें डेटा कैप्चरिंग हमने डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में। आज हम इस वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले तो आपने जो स्टेप पढ़ा डेटा कैप्चरिंग, जिससे आपने डेटा जिससे एंटर करते हैं, अब हमने कंप्यूटर में डेटा एंटर कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब डेटा हमने इकट्ठा कर लिया। यानी डेटा कैप्चरिंग में आपने डेटा को इकट्ठा कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, मौजूद है। अब हम उस डेटा के ऊपर जो है मजीद अब जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कैप्चरिंग के बाद कि डेटा हमारे पास अब मौजूद है, अब हम उस पे कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, मींस के ये डेटा जो है जो हमारे पास अवेलेबल आ चुका हो है कंप्यूटर में, अब हम उस पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट अवामिल हम अप्लाई करेंगे, जिससे हमें हमारे मतलूबा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें हासिल हो सके। अब वो जो ऑपरेशंस जो हमने डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो अब कौन कौन से हैं, ये उसकी डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही हैं आपको। नंबर वन क्लासिफाइंग है, नंबर टू कैलकुलेशन है, सॉर्टिंग और समराइजिंग। ये चार टाइप्स हैं डेटा मैनिपुलेशन की, ये स्टेप्स नहीं है, ये टाइप्स हैं। स्टेप्स हमने जो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया, डेटा कैप्चरिंग है, डेटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, ये हमारे स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब जो डेटा मैनिपुलेशन है इसके आगे जो आपको जो फर्दर इसकी जो टाइप्स नज़र आ रही हैं वो है क्लासिफाइंग, क्लासिक कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग, इन जो आप डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्लासिफाइंग की तरफ। क्लासिफाइंग बेसिकली प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इंटू ग्रुप्स और क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग डेटा। मीन्स के जो डेटा आपके पास है हमने क्या करना है, उसको उसको डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड कर कर देने को हम क्लासिफाइंग कहते हैं। मसलन आप इस तरह भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं डेटा को, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स ए ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको आप अलग क्लासिफाई कर दें, बी ग्रेड के स्टूडेंट्स को अलग आप कर दें, सी ग्रेड के स्टूडेंट्स को अलग अलग आप क्लासिफाई कर दें, डिवाइड कर दें। इसकी एक और एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कि कलेक्टेड डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस। आप यानी इंटरमीडिएट क्लासेस में क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जैसा कि जो तमाम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको, उनमें कुछ आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ एफए के हैं, कुछ एफएससी प्री मेडिकल और कुछ एफएससी प्री इंजीनियरिंग। उनको हमने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, इनटू क्लासिफाइड कर दिया इन डिफरेंट ग्रुप्स। और वो ग्रुप्स को हमने क्या कर दिया, आईसीएस, एफए, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ये ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली फिर डेटा जो हमारे पास मौजूद है हमने क्या किया, उसको उसको क्लासिफाई कर दिया, ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैलकुलेशन। अब जो डेटा हमारे पास मौजूद है कंप्यूटर में अवेलेबल है, अब उसके ऊपर आप डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आप एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, यानी जो न्यूमेरिक डेटा है उसके ऊपर जो है आप कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। मसलन आप टोटल ऑब्टेंड मार्क्स निकाल सकते हैं, उस पर आप एडिशन का यानी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, परसेंटेज निकालनी है। इसी तरह जो डिफरेंट हम ग्रेड्स निकालते हैं स्टूडेंट्स के, तो उस पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है, जो हमारे पास डाटा मौजूद होता है, अवेलेबल होता है, उससे हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फिर डाटा यानी कि ये क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ
अप्लाइंग डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा, इसको क्या कहेंगे हम, कैलकुलेशन कहेंगे। मीन्स कि आप कैलकुलेशंस के से रिलेटेड ऑपरेशन भी आप अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉर्टिंग। अब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, अब जाहिर बात है आपने उसको तरतीब से अरेंज फॉर्म में जो है भी रख सकते हैं। बेसिकली सॉर्टिंग क्या है कि डेटा को तरतीब से और एक ऑर्डर के साथ तरतीब से अरेंज करके उसको प्रोसेस ऑफ यानी उसको तरतीब से अरेंज करने के हवाले से को हम सॉर्टिंग कहेंगे। मसलन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा, यानी डेटा को आपने अरेंज कर दिया किस इन प्रॉपर ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं, असेंडिंग मसलन ए टू जी या डिसेंडिंग या जी टू ए, इस तरह से आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अब आप डेटा को आप डिफरेंट और तरीकों से भी आप इन्हीं क्लासिफाई वो सॉर्ट कर सकते हैं। मसलन आप स्टूडेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड या न्यूमेरिकली जो है नंबर्स से रिलेटेड जो है उससे भी आप डेटा को सॉर्ट करवा सकते हैं, या स्टूडेंट्स के नेम वाइज जो अल्फाबेटिकली नेम्स होते हैं उस के थ्रू भी आप डेटा को अरेंज करवा सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। तो सॉर्टिंग बेसिकली क्या हो गया, अरेंजिंग डाटा इनटू प्रॉपर ऑर्डर, चाहे असेंडिंग ले लें, चाहे डिसेंडिंग ले लें, या न्यूमेरिकली आप सॉर्ट करवा लें या अल्फाबेटिकली सॉर्ट करवा लें। तो डेटा को तरतीब देने को क्या कहेंगे, सॉर्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगला स्टेप जो आता है, अगला जो टाइप आ जाती है वो है समराइजिंग। अब हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स का, और भी बहुत सारा डेटा होता है। अब उस डेटे को एक मजीद एक मुख्तसर शक्ल में रिप्रेजेंट करने को, यानी मुख्तसर शक्ल में अगर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो बेसिकली प्रोसेस क्या हो गया, वो समराइजिंग होगा। यानी द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग समरी ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आपने मसलन जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके आपने या क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसमें कितने फेल हो गए हैं, कितने पास हो गए हैं, तो एक ब्रीफ सी समरी आप इसको कह सकते हैं, यानी मुख्तसर सी समरी में डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं आप। यानी बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है, आप उसको एक ब्रीफ समरी की शक्ल में जो है भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, उसको समराइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस क्या होगा, प्रिपेयरिंग समरी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज इन ए मोर कॉन्साइज एंड यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड समराइजिंग। यानी हम उसको एक मुख्तसर शक्ल में रिप्रेजेंट करने को समराइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। अब ये लास्ट स्टेप है। अब इसमें क्या है, अब देखें, अब जो डेटा हमारे पास आया है, अब उसमें उसको हम एज ए आउटपुट की शक्ल में किस तरह से आप उसको लेना है, ये बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स प्रॉपरली। यानी जो भी डेटा अब हमारे पास पड़ा है, अब उसको हमने एज ए आउटपुट की शक्ल में उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट उसकी ऑपरेशंस हैं। नंबर वन स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग है, नंबर टू रिप्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन है, यानी कि फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन आउटपुट रिजल्ट्स। ठीक है, अब जो डेटा देखें, हमने जो डिफरेंट जो ऑपरेशन है उसके ऊपर परफॉर्म के लिए डेटा मैनिपुलेशन हमने कर ली। अब उसके बाद फर्दर लास्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो स्टोरिंग एंड रिट्रीवल है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन है। इन दोनों पॉइंट्स को हम वन बाई वन देखते हैं। स्टोरिंग और रिट्रीविंग, स्टोरिंग का तो आपको पता है, जो डेटा स्टोर पड़ा है उसको हम एज ए आउटपुट की शक्ल में आप किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या हार्ड डिस्क में या किसी यूएसबी डिस्क में या कोई भी एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है उसमें सेव करने को, उसमें महफूज करने को डेटा को हम स्टोरिंग कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग आउटपुट ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी जो डाटा हमारे पास आ गया है जो सेव फॉर्म में पड़ा है, अब उसको हम एज ए आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करने को हम बेसिकली स्टोरिंग कहेंगे।
अब जो डेटा स्टोर हो गया, यानी प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस इसका रिट्रीवल, मसलन जो डेटा अब आजकल कुछ ऐसा भी जरूरत पड़ती है कि डेटा जो सेव्ड पड़ा है, यानी जो हमने हार्ड डिस्क में अपने स्टोरेज डिवाइस में सेव कर लिया है, उसको दोबारा से एक्सेस करने को किसी भी जरूरत के तहत हमें कोई उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दोबारा से एक्सेस करना पड़े, या एक्सेस करना हो तो उसको एक्सेस करने को, दोबारा से एक्सेस करने को बेसिकली क्या कहते हैं, रिट्रीवल कहते हैं। ठीक है, मसलन आपने मसलन देखा कि कोई डेटा जो है गलत एंटर हो गया हुआ है या गलत सेव हो गया हो, उसको डिलीट करना है या उसको अपडेट करना है, तो वो दोबारा से आप उसको हार्ड डिस्क में जो स्टोर पड़ा हुआ है उसको दोबारा से हमने एक्सेस किया और उसको हमने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल। तो वही हो गया, डेटा हम जो रिट्रीव करते हैं वो डिफरेंट पर्पज होते हैं, या उसको हम डिलीट करना हो या उसको अपडेट करना हो या कोई भी उसके ऊपर हमने चेंजिंग करनी हो, तो वो हम बेसिकली डेटा को रिट्रीव करते हैं। ये तो हो गया स्टोरिंग एंड रिट्रीवल। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन, दिस इज द लास्ट। ठीक है, अब जो डाटा हमारे पास मौजूद है सेव है, आपको जो भी उसको हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है उस आउटपुट को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूजिंग नेटवर्क। वो कोई भी हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, उसके थ्रू हमने डेटे को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकती है, मसलन आपने जो रिजल्ट्स स्टूडेंट्स का प्रिपेयर किया है, यू हैव टू ट्रांसफर टू द प्रिंसिपल ऑफिस, आपने इसको प्रिंसिपल को सेंड करना है तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। मतलब रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू इंटरनेट, यानी थ्रू इंटरनेट के थ्रू जो है हमने वो जो रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमने सेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, प्रिंसिपल साहब को, इसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा एक रिप्रोडक्शन आ जाता है। अब ये भी ये है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग डुप्लीकेट कॉपी ऑफ आउटपुट रिजल्ट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मीन्स के वो जो डाटा है अब जो हमने हम सेंड करते हैं प्रिंसिपल साहब को, या हम ईमेल करते हैं, या हम कहीं भी उसको सेंड करते हैं, तो वो बेसिकली उसकी एक कॉपी हो जाती है, और वो कॉपी जो है वो हम थ्रू कम्युनिकेशन हम सेंड कर देते हैं। या एक ये भी सूरत हो सकती है कि वो जो डाटा जो जो हमारे पास पड़ा है उसको हम कि एक्सटर्नल डिवाइस में मैं उसको कॉपी करके किसी एक्सटर्नल डिवाइस में भी सेव कर लें, तो आप इस तरह क्या होगा कि डेटे की रिप्रोडक्शन होगी, डेटे की कॉपी होगी, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि मतलब डुप्लीकेट कॉपी जो होती है आउटपुट रिजल्ट्स की, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यूजुअली द आउटपुट रिजल्ट इज रिप्रोड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट पर्सन और यूजर। वो हम जो आउटपुट रिजल्ट जो जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसको हम किस लिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो हम प्रिंसिपल साहब को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या वाइस प्रिंसिपल साहब को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इस डेटे को, तो इसको हम क्या कहेंगे मैनेजिंग, इसको हम क्या कहेंगे डुप्लीकेट कॉपी ऑफ आउटपुट रिजल्ट। तो यहाँ तक हमारा ये जो कंप्लीट जो टॉपिक है डेटा इंफॉर्मेशन का, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, और उसके बाद डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। उम्मीद है आपको आज का ये कंप्लीट अब ये टॉपिक जो है ये समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई की पॉइंट भी समझ ना आए तो आप मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैं हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।